तो हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही बढ़िया हो। भाई का वीडियो बिंदास लाइक कर देना है। लाइक करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल थीट को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे बेल आइकन को भी और भी प्रेस करना, क्योंकि भाई के वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप सभी के पास आए। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही एक अच्छा वीडियो लेके आ गया, जिस वीडियो का टॉपिक होगा कि वीफीएक्स वीडियो एडिटिंग। तो आज मैं बहुत सबसे अच्छा वीफीएक्स वीडियो एडिटिंग लेके आ गया। तो आज मैं आपको पहले मेरे वीडियो को दिखा देता हूँ, तो आप मेरे स्क्रीन पर मेरे वीडियो को देख रहे हो। इस तरह से मैं आज आपको वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आज मैं आपको इस तरह से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो का नेम होगा पजल वीडियो, मतलब एक दो तीन इस तरह से बहुत सारे पजल हो गए, बाद में हमारा फुल फोटो आ जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छा सॉन्ग सब कुछ यहाँ से हमको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल एडिटिंग होने वाली है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको डायरेक्टली ओपन करना है। आप जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर काइनमास्टर एप्लीकेशन को यूज करते हैं, उस एप को आपको ओपन करना है। तो उस एप को ओपन करने से पहले आपका भाई का नाम सुन दे जाओ। भाई का नाम है तीर्थ, आप देख रहे हैं टेक्निकल तीर्थ। नो फेक, नो हार्ड, ओनली सिंपल ट्रिक। ओके, तो चलिए हम इसीलिए आपको डायरेक्टली ओपन करना है। जो आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर काइनमास्टर एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, उस एप को आपको ओपन करना है। तो मैं जाता हूँ डायरेक्टली एडिटिंग सॉफ्टवेयर काइनमास्टर ऐप में। तो हाय फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हमारी एडिटिंग सॉफ्टवेयर काइनमास्टर एप्लीकेशन में। तो चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेसर बताता हूँ, इसी तरह से आपको करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको सिंपल ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल तीर्थ को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो पहले आपको जाना होगा या प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे हमारे पास एक्सपेक्ट रेटियो आ जाएगी, तो हमको 9x60 को चुनना होगा। 9x60 को चुनने के बाद यहाँ से आपको जाना है मीडिया में, और यहाँ से आपको बैकग्राउंड पे जाने और यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आपको चुन लेना है। बाद में उस बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको 15 सेकंड तक कर देना है। 15 सेकंड तक कर देने के बाद यहाँ से आपको आ जाना होगा आगे। तो बाद में यहाँ से जाना है आपको लोअर में और ये मीडिया में, और यहाँ से आपको एक वीडियो पेस्ट करना है, जिस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो का नेम होगा पजल वीफीएक्स वीडियो ग्रीन स्क्रीन। उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद यह आपको मेरी आगे का प्रोसेसर करना है। ओके, तो बाद में यहाँ से आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। ओके, तो यहाँ से हमारा वीडियो पे आपको आ जाना, और जितना वीडियो है उतना आपको बैकग्राउंड पे आपको क्लिक कर देना होगा। ओके, बाद में यहाँ से आपको करना होगा कि यार आपको जो फोटो लाना है उस फोटो को लाना होगा। तो यहाँ से उस फोटो को लाने के लिए आपको जाना होगा लेयर में, और यहाँ से मीडिया में, और यहाँ से आपको जो भी फोटो लाना है उस फोटो को ला देना है। बाद में यहाँ से मैंने ये फोटो को चुन लिया। बाद में यहाँ से ये एरो पे कि आपको क्लिक करके इस तरह से बड़ा करना है, और यहाँ से वही प्रोसेस जितना हमारा वीडियो उतना हमारा फोटो को रखना है। बाद में यहाँ से हमारा जो फोटो है उस फोटो पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, उस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद जैसे आपको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करूंगी तो हमारा फोटो चला जाएगा। तो बाद में यहाँ से हमारा फोटो लाने के लिए यहाँ से हमारा वीडियो पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा स्लाइड करना है। तो और यहाँ से आपको थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद जैसे आपको मिलेगा क्रोमा की, उस क्रोमा की को आपको एनेबल कर देना है। और यहाँ से आपको की कलर पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से रेड कलर को 0 करना है, और ब्लू को 0, और ग्रीन को आपको फुल कर देना है। फुल करोगे तो यहाँ से हमारा फोटो कंप्लीट एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फोटो भी हो जाएगा। तो चलिए हमारा वीडियो तैयारी रेडी हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। तो चलिए मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। इस तरह से लास्ट में फुल स्क्रीन हो जाएगा हमारा फोटो। ओके, तो चलिए इस वीडियो को आपको सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट कर देने। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। लाइक करने से आपके भाई में मोटिवेशन होता है कि और भी वीडियो यूट्यूब पर लेके आने का। तो प्लीज़ एक लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स को सब्सक्राइब करना। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।